What's you different is what makes you Spider-Man. सो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्लैशी पॉइंट यूट्यूब चैनल क्लैशी न्यूज़ के दूसरे एपिसोड में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स के बारे में, उसका ट्रेलर जो आया नया वाला स्पाइडरमैन का ट्रेलर जो 2 आया स्पाइडरमैन इनटू द वर्स का ट्रेलर 2, तो उसका हम ट्रेलर ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ट्रेलर ब्रेक डाउन करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप सब लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन आपके चैनल पर मिलते रहे। और ऐसी वीडियो मैं वीकेंड डालता रहता हूँ, और एक चैनल गेमिंग का भी, अगर आप लोग गेमिंग वाले हो तो उस चैनल को तो आप गेमिंग की वीडियोस भी देख सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्लच मोड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम ये ट्रेलर ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमें सबसे पहले सीन दिखता है ट्रेन वाला। तो ट्रेन वाला सीन आप लोगों ने देखा होगा स्पाइडरमैन की पहली मूवी में, जो स्पाइडरमैन 1 आई थी, तो उसमें जो स्पाइडरमैन ऐसे ब्रिज में रस्सियाँ बांध के जो भी है ये रोकता है ट्रेन को, और ये सीन आप लोगों ने देखा ही होगा जिसमें ये मार रहा है गुस्सा। तो ये सीन जो है स्पाइडरमैन 1 में था, पर उसमें जो पीटर पार्कर है हमारा, उसकी जो मैरी जेन है उसको पता नहीं होता कि इसके पास शक्तियाँ होती है, पर इस सीन में हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मैरी जेन को पता है। तो इससे साफ साफ होता है कि ये स्टोरी थोड़ी चेंज है, और यहाँ पर उसने मुक्का ही मारा स्पाइडरमैन में, और जो स्पाइडरमैन 1 थी उसमें बस वो ऐसे झुक जाता है अपनी मैरी जेन को लेके ताकि उसको चोट ना लगे। तो ये था वो सीन। तो चलिए दूसरे देखते। तो यहाँ पर हमें सीन दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन बहुत सारी क्या कहते हैं चीज़ों को ऐसे पकड़ रहा है, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिस में है। तो इसका मतलब मैं बता दूँ, ये बहुत सारी यूनिवर्सिस में गया था स्पाइडरमैन, ये इसको दिखाया गया था। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो इस सीन में आपको दिख रहा होगा गॉब्लिन जो है इलेक्ट्रो को एक प्रिजन में कैद कर लेता है, तो इससे ये बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सिस में ट्रैवल कर सकता है, और स्पाइडरमैन का डीएनए इकट्ठा करके ये अपनी एक सोल्जर आर्मी बनाना चाहता है ताकि ये स्पाइडरमैन को उड़ा सके और बहुत सारे गलत काम कर सके। तो उसके रोकने के लिए स्पाइडरमैन भी इसी के पीछे जाता है, इसको मारता है ऐसे करके ढूंढू ढूंढू ढूंढू, और ये फिर भी भाग जाता है। स्पाइडरमैन भी फिर इसके पीछे जाता है, और यहाँ से इनकी स्टार्ट होती है पैरेलल यूनिवर्स की जर्नी। और पैरेलल यूनिवर्स की जर्नी में ये बहुत सारी जगह पर जाते हैं। सबसे पहले स्पाइडर पिग के पास जाते हैं, उसके बाद स्पाइडर वुमेन के पास भी जाते हैं, और उसके बाद ये ब्लैक स्पाइडरमैन के पास भी जाते हैं, और ये माइल्स मोरालिस के पास भी जाते हैं। बहुत सारे स्पाइडरमैन के पास जाता है ये, उनको बचाने की कोशिश करता है, पर ये बेचारा एक को भी नहीं बचा पाता। तो जितनी भी स्टोरी थी मैंने आपको ये अल्टीमेट स्पाइडरमैन के बारे स्पाइडरमैन कार्टून जो आता था डिज्नी एक्सडी उसके हिसाब से बताई है, और अब थोड़ी स्टोरी चेंज हो चुकी है। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं जो स्पाइडरमैन जो दूसरा वाला माइल्स मोरालिस ये सोचता था पूरी दुनिया में बस एक ही स्पाइडरमैन जो कि ये है, पर इसके बाद ये एक हॉस्पिटल में जाते जैसे हमें दिखाया, वैसे ये सीन नहीं है। तो असली सीन मैं आपको बताता हूँ वो क्या था। स्पाइडरमैन हर यूनिवर्स में जाता है, तो ये माइल्स मोरालिस लड़ रहा होता है वैम्पायर गॉब्लिन से, तो जब जाके ये मिलता है स्पाइडरमैन से। पर इसमें दिखाया है कि जो है माइल्स मोरालिस ये कहीं स्टूडियो में गया है जो भी है रिसर्च सेंटर में, और वहाँ पर ये स्पाइडरमैन आ गया ट्रैवल करते हुए जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो उसके बाद जो हमारा पीटर पार्कर है ये फिंगर चिप्स से माइल्स मोरालिस को समझाता है कि भाई ये क्या सीन चल रहा है जो भी यहाँ पर है, जो कि मैंने आप सब लोगों को अभी पहले समझा दिया है। गॉब्लिन से लड़ते लड़ते ये जाता है सारे पैरेलल यूनिवर्स में जो प्रिजन में कैद है इलेक्ट्रो से, वो सारे प्रिजन खोल रहा है गॉब्लिन, और उसका पीछा करते करते इसको बचाने के लिए इससे माइल्स मोरालिस के पास आया ताकि ये मरे ना। तो उसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पर स्पाइडरमैन ट्रेनिंग दे रहा है, ये होता है पर ये थोड़ी देर बाद में होता है। सीन जो मैंने बताया था आपको अल्टीमेट स्पाइडरमैन कार्टून में, तो ये स्टोरी थोड़ी चेंज है, उसमें भी ट्रेनिंग देता है ये पर इतनी जल्दी नहीं देता, तो इसके पीछे भी कुछ सीन होगा। तो फिर ये ऐसे यहाँ पर मिलते हैं स्पाइडर वुमेन से जो मैंने आप सब लोगों को बता ही दिया। तो यहाँ पर मैं दिखाते कि ये जो है ग्वेन स्टेसी का नाम है स्पाइडर वुमेन का, और स्पाइडर वुमेन की जो आंट मे है वो इसकी हेडक्वार्टर है, मतलब हेडक्वार्टर ऑफिस बोल सकते हैं जो भी कह दो, वो उसकी हेड है, वो ही सब कुछ संभालती है, इसको इंस्ट्रक्शन देती है बैठे हुए एक स्टूडियो में जहाँ पर ये काम कर पाती है आराम से। तो ये स्पाइडर वुमेन की स्टोरी है, थोड़ी सी मैंने आपको बताई, पूरी बताऊंगा बहुत टाइम लग। तो उसके बाद हमें दिखाते हैं ये इस बंदे को गंजा सा जो है ये मैं सबसे पहले बता दूँ स्पाइडरमैन का ये इतना मतलब स्ट्रॉन्ग दुश्मन नहीं है, स्पाइडरमैन को बहुत बार मार चुका है, और ये स्पाइडरमैन को भी मार चुका है बहुत बार, ये ज़्यादातर अपने सिर पे हेलमेट पहन के रखता है ताकि ये मार सके स्पाइडरमैन। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये मैं आपको बता दूँ ये वैम्पायर गॉब्लिन है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, बिल्कुल आग आग से मारता है, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दी सारी स्टोरी। तो ये अब आपको जानने में आसानी होगी ये माइल्स मोरालिस के बहुत
गंदा वाला दुश्मन है माइल्स मोरालेस के पीछे पड़ा हुआ है, जैसे स्पाइडरमैन के पीछे गोब्लिन पड़ा हुआ है, ये वैम्पायर गोब्लिन है और ये इनका मिशन है सबको मारना, बस खत्म। बस यहीं पे ट्रेलर खत्म करते हैं। सो बस गाइस यही था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर जो बेल आइकन सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको मैं ऐसी यूनिवर्स में छोड़ दूंगा, स्पाइडरमैन भी बचाने नहीं आएगा, फिर देख लेना अपना। और कमेंट करके जरूर बताना आपको अगर कुछ भी मिस्टेक लगते हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर देना ताकि दूसरों को भी समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ी चेंज करके बताया ट्रेलर तो इसलिए थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। और अगर आप लोग क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हो तो क्लैश ऑफ क्लैंस की इसमें चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आई बटन में आपको एक नया अपडेट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। और पबजी की लाइव स्ट्रीम मैं करता रहता हूँ इस पर, तो उसके लिए बने रहे और ऐसी वीडियो मैं डालता रहता हूँ हर वीकेंड में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सुपर हीरो। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।